काम बाहर करते हैं, तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगा इस एक चीज में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट क्यू बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं औरत होने के नाते। इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूं, उसमें मैं मरियम साहबा के जो फोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूं। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, वो किन किन कमजोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीजों में माहिर हैं, वो सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फोन के डाटा को साइड पर रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अता तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं, इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की औरतों के घरों की बातें करता है, इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा, वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने खरीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज़ कहूँगा, गुस्सा कर लिया जाता, हमारी ज़ुबान पे तो बड़ा ही ताप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी ज़ुबान बोलता हूँ। सो जो ब्रोकरी उन्होंने अंग्रेज़ी वाला कबूल है, अंग्रेज़ी में जो कहो कबूल है, पंजाब